विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए सख्ती बढ़ा दी है। लगातार चेकिंग अभियान चल रहा है। नेता जनप्रतिनिधियों की नेम प्लेट और बिना नंबर के वाहनों के साथ हूटर बत्ती व फटाका साइलेंसर लगाने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। जिले की थाना पुलिस अपने अपने क्षेत्रों में वाहनों की चेकिंग कर रही है। पिछले एक सप्ताह में जिले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नियमों का उल्लंघन कर दौड़ रहे 2000 वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की है। इन वाहनों से 12 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है। रोहित मोबाइल मकरोनिया का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल। तो आधार कार्ड लाएं और 5 मिनट में मोबाइल ले जाएं। हमारा पता है खाद गोदाम के बाजू से, मकरोनिया चौराहा सागर। जानकारी के अनुसार पुलिस द्वारा बगैर अनुमति सर्च लाइट लगाने पर 78 वाहनों के चालान काट कर 39,000 रुपए जुर्माना वसूला गया है। इसके अलावा शराब पीकर वाहन चलाने वाले 4 वाहनों पर कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया गया। हूटर के खिलाफ कार्रवाई 27 वाहनों पर की गई और 81,000 जुर्माना लिया गया। लाल पीली बत्ती का अनाधिकृत उपयोग करने पर 6 चालान में 18,000, बगैर नंबर प्लेट व नंबर प्लेट गलत तरीके से उपयोग करने पर 525 चालान बनाकर 2,65,000 रुपए, वाहन द्वारा ध्वनि प्रदूषण करने पर 23 चालान में 25,000 जुर्माना, वाहन के साथ अनाधिकृत हस्तक्षेप में 8 चालान बनाकर 8,000 रुपए, वाहन पर किसी विज्ञापन की आकृति या लेखन का प्रदर्शन करने पर 35 चालान बनाकर 17,500 रुपए, अपारदर्शी शीशों का उपयोग करने वाले वाहन में 168 चालान बनाए गए और 84,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। अन्य वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई कर 1,035 चालान बनाकर 6,22,500 रुपए वसूल किए गए हैं। ट्रैफिक डीएसपी अखिलेश तिवारी ने बताया कि लोग चालानी कार्रवाई से बचने के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करें। बिना नंबर के वाहन व नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। जिले में अब तक 2000 वाहनों के चालान काटे गए हैं। सागर से आदर्श दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज। होटल रुद्र रेसिडेंसी प्योर बेज फैमिली रेस्टोरेंट के साथ ठहरने की उत्तम व्यवस्था, एसी नॉन एसी लग्जरी रूम उपलब्ध, तो जरूर पधारें। पता साईं खेड़ा लेधोरा हाट, फोर लाइन चौराहा, नर्सिंग कॉलेज के बाजू में, सागर।